हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एंड माय टुडेज टॉपिक इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ें उससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे हम अगर मार्केट जाते हैं और हमें बहुत सारी चीजें परचेज करनी है तो हम क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं कि हमें ग्रोसरी में क्या चाहिए, फर्नीचर में क्या चाहिए, टेक्सटाइल से हमें क्या चाहिए। इस तरीके से जो एक जैसे आइटम्स हैं हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। अगर हमें मेडिसिन चाहिए तो हम मेडिसिन की अलग लिस्ट बनाते हैं। दैट्स वाई क्या होता है, हमें आसानी रहती है मार्केट से शॉपिंग करने में। या हमें कैटेगराइज्ड करना है बहुत सारी चीजों को तो हम क्या करते हैं, जो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स हैं। जैसे कि अगर मुझे किचन में बहुत सारे सामान है, मेरे पास किचन में दालें भी हैं, मसाले भी हैं, ऑयल्स भी हैं और ग्रेन बहुत तरह का है, तो मैं उनको क्या करूंगी, जितने भी स्पाइसेस हैं मैं उन सबकी जो क्योंकि एक जैसी कैटेगरी है मैं उनको एक कॉलम में सेट करूंगी। और अगर ऑयल, घी, ये सारी चीजें इनको मैं डिफरेंट में, और यूटेंसिल्स को मैं अलग तरह से कैटेगरी करूंगी। जो दाल बनती है पल्सेस उनको मैं अलग तरीके से क्या क्या करती हूँ, अलग कॉलम में कैटेगराइज करती हूँ। सेम वे में जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके एफर्ट्स बहुत पुराने टाइम से चलते आए, क्योंकि उन्होंने एक एक करके अर्थ से बहुत सारे मेटल्स को, बहुत सारे नॉन मेटल्स को एटमॉस्फेयर से कलेक्ट कर लिया था। दे वर नोइंग अबाउट देम दैट दिस इज आयरन, दिस इज कॉपर, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज क्लोरीन, लाइकवाइज दे वर नोइंग, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैटेगराइज दम बिकॉज इट वॉज एट दैट टाइम इट वॉज कंसिडर्ड कि एटम इज इनडिविजिबल। ये माना जाता था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है और उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उनको कुछ भी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उनके पास केवल दो ही क्राइटेरिया थे, क्या, या तो वो एटम का वेट नाप लें कि वो हैवी है कि लाइटर है, या वो उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करें कि इसके ऊपर हाइड्रोजन मतलब वाटर डालते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको कैटेगराइज करें। तो कई अटेम्प्ट्स लिए गए। उन सारे अटेम्प्ट्स में जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मेटल नॉन मेटल, उन्होंने क्या किया, देखा जो सॉलिड है और वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है या कुछ इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, उन्होंने क्या किया, उन सारे एलिमेंट्स को अलग कैटेगराइज किया। और जो गैसियस फॉर्म में थे उनको उन्होंने क्या किया, अलग कैटेगराइज। तो इन द बिगिनिंग इट वॉज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आफ्टर दैट चाउस सिस्टम आया, इसमें क्या था, उन्होंने कोशिश की कि एक एलिमेंट का, जैसे एक एटम है, इसके बारे में वो जो भी कुछ जानते थे उन्होंने क्या किया, प्लेइंग कार्ड्स की तरह एक कार्ड के ऊपर लिख दिया, फिर दूसरा एटम लिया उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, फिर तीसरे के, चौथे के, इस तरह से हर एलिमेंट के एटम्स के बारे में उन्होंने सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो लिख दी, फिर उन कार्ड्स को अरेंज करने की कोशिश की कि जो एक जैसे कार्ड्स हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले, वो एक के नीचे एक रखे जाएं, फिर दूसरे रखे जाएं। तो इस तरीके से काफी अटेम्प्ट्स लिए गए। नेक्स्ट जॉन डब्ल्यू डॉब्रेनायर, इन्होंने क्या किया कि उन्हीं कार्ड्स में से देखा कि जो तीन कार्ड ऐसे आते हैं कि अगर हम टर्मिनल दोनों कार्ड्स के वेट का सम करें और दो से डिवाइड करें, यानी कि हम एवरेज ले लें, तो बीच वाले कार्ड का जो एलिमेंट है, एटम है, उसका एटॉमिक वेट आ जाता है। तो वो जो सिस्टम था वो डॉब्रेनायर ट्रायड सिस्टम कहलाया। वी विल डिस्कस राइट नाउ, आई एम डिस्कसिंग जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, इन्होंने क्या किया था कि ये नोटिस किया था उन्हीं चाउस में कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट दे बिहेव ऑलमोस्ट सेम, फिर सेकेंड और नाइन्थ, थर्ड और टेंथ, यानी कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैज ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज। दैट्स वाई दिस लॉ वॉज कॉल्ड एज मेंडेलीव्स न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। लाइक सारे गामा पाधानी सा, तो सा फर्स्ट एंड एट्थ बोथ आर सेम। लाइकवाइज न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद मेंडेलीव्स थे। मेंडेलीव्स के टाइम तक भी क्या था कि ये पता नहीं था
कि एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अलग अलग होते हैं, तो उनकी भी जो सारी स्टडी है वो किसके ऊपर बेस्ड थी, डिफरेंस इन एटॉमिक मास, मास के ऊपर उन्होंने मास के अकॉर्डिंग पहले उसको सारे चाउस को क्या किया, कैटेगरी सीक्वेंस में लगा दिया, फिर उन्होंने देखा कौन कौन से एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उसके हिसाब से सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में उन्होंने जो मेंडेलीव थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, और वो टेबल जो है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कहलाती है। उसके बाद मोजले ने क्या किया था, इन्हीं के स्टूडेंट थे मेंडेलीव के, और उन्होंने क्या देखा था कि एटम, उनके टाइम तक ये पता चल गया था कि एटम जो है इट इज डिविजिबल, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, क्योंकि साइड वाइज अदर लैब्स में भी क्या थी, कोई जर्मनी में तो कोई चाइना में तो कोई रशिया में, सब जगह रिसर्च चल रही थी, तो तब तक रिसर्च से ये प्रूव हो चुका था कि जो एटम है इट इज डिविजिबल, इसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो मोजले ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ उसको अरेंज करने के चाउस को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट, उन्होंने एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन नंबर्स के बेस पे उसको अरेंज किया चाउस को, और फिर उन्होंने मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में ही थोड़ा सा एक्सपेंशन लेके आए, और उन्होंने क्या देखा कि जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेटली कैटेगराइज हो रहे हैं, और उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, मोजलेस पीरियोडिक टेबल। लेकिन जो आजकल हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, वो कौन सी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी के ऊपर, क्योंकि टेबल मीन्स कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स एंड रोज, तो हमें पहले चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टेबल मीन्स कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स एंड रोज, तो इसमें हम एलिमेंट्स को ग्रुप्स एंड रोज में अरेंज करेंगे, एंड पीरियोडिक टेबल मीन्स कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है, किसके, एटॉमिक नंबर के, और वो अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, कि उनकी जो प्रॉपर्टीज में कैसे पीरियोडिसिटी आ रही है, पीरियोडिसिटी कहते हैं एक फिक्स्ड पीरियड के बाद रिपीटिशन, तो जो कितने पीरियड के बाद रिपीटिशन हो रहा है उस पीरियड के बाद वाले एलिमेंट को एक के नीचे एक उन्होंने एडजस्ट किया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों, तो हम इस पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, हमें एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। टेबल मीन्स कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स एंड रोज, तो अब टेबल में आप देख रहे हैं क्या है, खूब सारे ग्रुप्स हैं और रोज हैं, यानी कि हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो हमने टेबल की फॉर्म में किया है। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी मीन्स रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियोडिक गैप और आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम सारे एलिमेंट्स को किसी भी एक प्रॉपर्टी के बेस पे क्या करें, अरेंज कर दें, मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम क्या देखते हैं फिक्स्ड गैप के बाद, जैसे अगर 8 से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया फिर 18 से इंक्रीज हो गया, तो हम क्या देखते हैं फिक्स्ड गैप के बाद वो अपने आप को रिपीट करते हैं, तो इसमें जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो पीरियोडिकली अरेंज किया गया है, ऐसे नहीं कि एक के बाद एक वाले की हमने वेरिएशन दिखाया है, साथ साथ हमने ये भी शो किया है कि इतने गैप के बाद रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी, फिर इतने गैप के बाद फिर दोबारा रिपीट हो रही है। और व्हाई दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ये हमारी टेबल जो मैंने ड्रॉ की है, इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। मेंडेलीव ने जो लॉ दिया था इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, कि एटम्स वर फर्स्टली अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, और मोजले ने क्या किया था एटॉमिक नंबर, एटम्स वर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या किया कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एटॉमिक नंबर के साथ कोरिलेट किया, तो और एक नया लॉ दिया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी, और जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको हम लॉन्ग फॉर्म भी कहते हैं,
लॉन्ग फॉर्म क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज टू लॉन्ग, इतनी लंबी है कि हम इसको एक उसमें नहीं रख सकते। अभी भी हमने क्या किया है, यहाँ पे और यहाँ पे जो 14 एलिमेंट्स हैं, उनको हमने नीचे रखा हुआ है। अदरवाइज तो इस तीन ग्रुप को इधर रख के और बाकी के 15 ग्रुप इधर रख के बीच में 14 ग्रुप्स और लिखने थे। यानी कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इस तरीके से अरेंज थी। हमने इसमें से ये 14 ग्रुप्स को उठा के नीचे रख दिया और इनको क्लब कर दिया। तो इस तरीके से ये जो पीरियोडिक टेबल है वो लॉन्ग फॉर्म है, उसको हम एक पेज पे ना तो पब्लिश कर सकते हैं ना हम लिख सकते हैं। हमें मिनिमम 2 पेज चाहिए होते हैं या फिर हमें फॉन्ट साइज बहुत छोटा करना पड़ता है। तो क्योंकि बहुत लॉन्ग है इसीलिए हम इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। एज आई टोल्ड यू कि एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए डिफरेंट अटेम्प्ट लिए गए एंड लास्ट वन वाज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हम सबसे पहले लास्ट वन को पढ़ेंगे और लास्ट वन को जब हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर फर्स्ट जो 4-5 अटेम्प्ट्स हैं उनको याद करना हमारे लिए बहुत ही इजी और हैंडी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बता रही हूँ कि क्या होता है। हमारे पास 32 ग्रुप्स होते हैं और 32 ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम होते हैं और हमारे पास 7 क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। इन 32 ग्रुप्स में 18 तो इस मेन फ्रेम के अंदर दिखा रखे हैं और 14 को हम नीचे रखते हैं, मेन फ्रेम के नीचे अलग से एडजस्ट करते हैं। इनके हम नाम क्या रखते हैं, जो ग्रुप्स हैं उनके 2 तरह के नॉमेनक्लेचर हैं, एक ओल्ड नॉमेनक्लेचर और एक IUPAC नॉमेनक्लेचर। जो ओल्ड नॉमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ए सेकेंड ए, मैंने इसको ग्रीन कलर। नाउ वी विल सी कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे एंड वाई। हम इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड है इसमें वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हमने 2 ही क्यों रखे, हमने 3, 4, 5, 10 क्यों नहीं रखे? क्योंकि जो एटम होता है उसके बाहर कई, न्यूक्लियस के बाहर कई शेल्स होते हैं और उन शेल्स में इनर मोस्ट को हम के शेल कहते हैं, उसके बाद एल, फिर एम, फिर एन। के शेल को हम एन इजिकल टू 1 से डिनोट करते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो इनमें जो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है, 2n2। तो यहाँ क्या होगा, n इजिकल टू 1 रखेंगे तो 2, n इजिकल टू 2 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो 8। तो इसीलिए जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, 2 टाइप के, इधर के में 1 और के में 2। तो इसलिए हमने 2 ही एलिमेंट रखे हैं। और दूसरे शेल में आपके पास 8 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आर पॉसिबल कि आप एल में 1 इलेक्ट्रॉन रखो, एल में 2, एल में 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसीलिए बिकॉज 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आर पॉसिबल तो हमने यहाँ पे कितने रखे हैं, 8 एलिमेंट रखे हैं। इसके एल में 1 है, एल में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब नेक्स्ट अगर हम एम की बात करें, एन इज इक्वल टू 3, तो हालांकि इसकी कैपेसिटी तो कितने की है, 18 की है, पर ये जो शेल्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। उन सब शेल्स में से एक सब शेल की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बाकी तो 8 ही बचे। तो इसीलिए इसके भी कितने कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, 8। तो हम क्या देखते हैं, इसमें भी हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स के कारण 8 एलिमेंट्स रखते हैं। और फोर्थ की कैपेसिटी हालांकि 32 है पर उसके 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो 2 हम 18+10 तो नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन पीछे वाले जो 10 हमने नहीं फिल किए थे, यहाँ पे हमने 10 कम किए थे, वो 10 यहाँ आ जाते हैं। मतलब इसके 10+14 वो तो नेक्स्ट में फिल करेंगे, लेकिन पीछे वाले के 10 8 के साथ हम फिल करते हैं तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 18। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, इनको 20 तक तो मिनिमम याद रखना ही रखना है। उसके लिए आप इसकी कोडिंग कर सकते हो और कोडिंग के लिए आई हैव ऑलरेडी गिवन 1 लेक्चर इन 1 वीडियो, यू कैन वॉच, आई विल गिव यू डिस्क्रिप्शन ऑफ और द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन। तो आप देख के उसको याद कर सकते हैं। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को रखते हैं। और अगर हम ग्रुप की बात करें
तो हम ग्रुप में क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है इन सबके आउटसाइड यानी कि जो सबसे बाहर वाला है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे इसका आउटर एक ही है, के में एक होगा, इसके अंदर एल के एल, तो के में तो दो है लेकिन एल में एक आएगा, फिर इसमें के में दो, एल में आठ और एम में कितना आएगा एक, फिर इसके एन में एक। तो इन सबका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है अगर हम टॉप डाउन जाते हैं तो वो हमें क्या मिलता है सेम, लेकिन अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो देखो एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव एल सिक्स एल सेवन एल एट, एल एट के बाद फिर एम वन एम टू एम थ्री एम फोर। तो हम देखते हैं पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है लेकिन ग्रुप में आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। तो इसीलिए ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। जो लिथियम है वो प्लस वन आयन बनाएगा, तो सोडियम भी प्लस वन बनाएगा, पोटेशियम भी प्लस वन, ये सारे प्लस टू। और जो एक्चुअली ओल्ड क्लासिफिकेशन है वो इसी बात पे बेस्ड है कि एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है, कौन सा आयन बना रहा है, मैक्सिमम कौन सा आयन बना रहा है पॉजिटिव। तो देखो ये सारे प्लस वन बनाते हैं इसलिए इस ग्रुप का नाम फर्स्ट है, ये सब प्लस टू बनाते हैं इस ग्रुप का नाम टू है, ये सब प्लस थ्री बनाते हैं, ये सब प्लस फोर, ये प्लस फाइव, प्लस सिक्स, प्लस सेवन तक बनाते हैं। इसीलिए इनके जो ग्रुप्स के नाम ओल्ड क्लासिफिकेशन है वो कैसे चलता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड इसीलिए है कि ये सब क्या करते हैं प्लस तीन बनाते हैं, ये सब प्लस चार मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनको जीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो नहीं करते। तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वी कैन बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ वी विल सी द ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन ऑफ प्रॉपर्टीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं वैलेंसी का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल में, तो वैलेंस शेल क्या है, ये होता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के केस में हम क्या देखते हैं ओनली एक शेल है, ये ही आउटर मोस्ट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वन, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी वन। अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम में क्या है, तीन इसका नंबर है एटॉमिक नंबर और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है टू वन, तो के में टू एल में वन, तो अगेन इसके आउटर मोस्ट में वन है तो इसकी वैलेंसी वन है। अगर हम सोडियम की बात करें तो क्या होगा टू एट वन, टोटल इलेवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो देखो आउटर मोस्ट में फिर वन है, तो हम क्या देखते हैं कि इन्हें ग्रुप वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। तो जैसे इसमें वन आता है ऐसे ही हम बात करें सेकेंड ग्रुप की, तो इसमें चार के लिए क्या होगा अंदर दो फिर उसके बाहर भी दो, तो टू हो जाएगी वैलेंसी। फिर मैग्नीशियम में क्या होगा टू फिर एट और फिर टू तो फिर दो, तो इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी दो, इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी वन, इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी थ्री, इसकी फोर, इसकी फाइव, इसकी सिक्स और इसकी सेवन और इसकी जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ वैलेंसी इन ए ग्रुप रिमेन्स सेम, बट इन ए पीरियड यू कैन सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आप इन पीरियड्स में देख सकते हो वैलेंसी क्या होती है धीरे धीरे इंक्रीज होती है, तो क्योंकि वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। नाउ वी विल सी एटॉमिक साइज। नेक्स्ट ट्रेंड इज एटॉमिक साइज। व्हाट इज एटॉमिक साइज एंड हाउ इट गेट चेंज। एटॉमिक साइज कहते हैं कि न्यूक्लियस से, जैसे आपने ये एक एटम लिया,
इसके बाहर कई शेल्स थे, तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और एटॉमिक रेडियस से ही हम किसको डिफाइन करते हैं, साइज को, कि रेडियस बड़ा तो साइज भी बड़ा, रेडियस छोटा तो साइज भी छोटा। तो अब हम इसको हमने डिफाइन किया डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। तो अब हम बात करेंगे हाउ इट चेंजेस इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड, एक पीरियड में और एक ग्रुप में ये कैसे चेंज होती है। ध्यान दो, पहले मैं एक ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो लिथियम हाइड्रोजन में एक शेल, एक ही न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटोन, इसमें तीन है और शेल्स कितने हैं, दो, टू वन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटोन थ्री। अच्छा, सोडियम में 11 है, टू अंदर वाले में, फिर एट उसके बाहर, और लास्ट वाले में फिर वन इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप ध्यान दो, नंबर ऑफ शेल्स टॉप टू डाउन इंक्रीज हो रहे, वन टू थ्री, एवरी टाइम एक शेल इंक्रीज हो रहा है, एवरी टाइम एक शेल इंक्रीज होने से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें यहां तक डिस्टेंस है, इसमें यहां तक, इसमें यहां तक, तो साइज विल इंक्रीज। तो अगर हम एक ग्रुप में आते हैं तो साइज क्या होगा, इट विल इंक्रीज, चाहे मैं इस ग्रुप की बात करूं, चाहे सेकंड ग्रुप की बात करूं, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, एंड इन एवरी ग्रुप। नेक्स्ट, अगर मैं पीरियड की बात करती हूं, तो मैंने एग्जाम्पल लिया सिकिंग लिथियम बेरिलियम। अच्छा, लिथियम में तीन प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टू एंड वन, बेरिलियम में फोर प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है टू एंड टू, बोरॉन में फाइव प्रोटॉन्स हैं, टू एंड थ्री, कार्बन में सिक्स प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टू एंड फोर, फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन में सेवन प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है टू एंड फाइव, ऑक्सीजन में टू एट तो प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं टू एंड सिक्स, फ्लोरीन में नाइन क्या है, प्रोटॉन्स और बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टू एंड सेवन। तो अब आप ध्यान दो, इन ए पीरियड नंबर ऑफ सेल्स आर सेम, टू 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 टू, और न्यूक्लियस में चार्ज रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो अब पहले थ्री प्रोटॉन्स दो शेल्स के इलेक्ट्रॉन को इनसाइड पुल कर रहे थे, नाउ फोर देन फाइव देन सिक्स, तो रेगुलर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो आउटर शेल है ये क्या होगा, इनसाइड अट्रैक्ट होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे इन ए पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज, कोई सा भी पीरियड है, मैंने थर्ड सेकेंड पीरियड का एग्जाम्पल लिया, यू मे हैव एग्जाम्पल ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, एनी पीरियड, किसी भी पीरियड में जाएंगे। तो अब आप बताओ सबसे बड़ा साइज किसका होगा, लिथियम बेरिलियम बोरोन, क्योंकि ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए, लिथियम का, लेकिन होता नहीं है। वाय, क्योंकि जैसे ही हम नियॉन पे आते हैं, फ्लोरीन का जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसमें क्या होता है कि 10 प्रोटॉन्स होते हैं और दो और आठ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, तो ये एक फुलफिल्ड शेल हो गया। शेल जब फुलफिल्ड हो जाता है तो वो ज्यादा बड़ा अपनी फुल टेंशन में आ जाता है। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट और एक इफेक्ट होता है जो आप अभी नहीं समझ पाएंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, और जैसे किसी कपड़े को अगर हम चार साइड से खींच सकते हैं और हम उसको बराबर चारों साइड से खींच दें तो अब वो अपनी फुल साइज में होगा। तो सेम वे में यहाँ पे आठ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पूरे आठ आ गए तो फुलफिल्ड हो गया, फुलफिल्ड होने से इसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो अगर आपको अरेंज करना पड़े तो आप कैसे अरेंज करेंगे, मैक्सिमम साइज किसका होगा, नियॉन का, और नियॉन के बाद अब आप लिख सकते हैं लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका हुआ, फ्लोरीन का।
और बिगेस्ट साइज नियॉन का। और अगर वो आपसे नियॉन का नहीं पूछता एग्जामिनर, तो आप किसका डिस्कस करेंगे? लिथियम का। ओके, और अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आर्गन का। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो अब आप देखो, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स सेम है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ओके, और मैक्सिमम साइज जीरो ग्रुप का, और अगर वो जीरो ग्रुप नहीं पूछ रहा तो फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप के बाद सेवेंथ ग्रुप का। ये सेवेंथ ग्रुप है, इसका साइज सबसे छोटा होगा। और अगर वो आईयूपीएसी में नॉमेनक्लेचर देता है तो आप कहेंगे एटींथ ग्रुप का साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर 13, 14, 15, 16, 17, क्योंकि अभी टेंथ क्लास में आपको ये वाले ग्रुप्स नहीं स्टडी करने हैं। नेक्स्ट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। सो व्हाट आर मेटेलिक्स? मेटेलिक्स आर एलिमेंट्स which have tendency to give electrons and to produce positive ions. तो देखो, जिसके बाहर outer shell में एक ही electron होगा, उसके लिए कितना आसान होगा कि वो एक electron किसी को दे दे, तो ये वाला shell खत्म हो जाएगा और अंदर कौन सा shell निकलेगा? Fulfilled, जो क्या होगा? Stable होगा। अच्छा, किसी के बाहर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए भी कितना इजी होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स देके प्लस टू आयन बना ले और अंदर से कौन सा शेल आ जाएगा? फुलफिल्ड। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये जो शुरू वाले एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये क्या करते हैं, इनके बाहर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो डोनेट करना आसान है, और ये प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 आयन्स बनाते हैं। इसीलिए जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स हैं, इनके मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है कि मेटल एटम किसमें कन्वर्ट हो जाए? मेटल प्लस आयन में, या प्लस टू में, या प्लस थ्री में, और साथ में क्या दे दे? इलेक्ट्रॉन 1, 2, या 3 दे दे। तो हम क्या देखेंगे, इनके मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन जैसे ही हम कार्बन पे आएंगे तो वहां उसके आउटसाइड कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा है, कि न्यूक्लियस चार्ज जो है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हो तो वो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा होल्ड करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना वेरी डिफिकल्ट है। सिमिलरली अगर हम बात करें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की, तो फ्लोरीन में क्या है, इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले तो क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? फुलफिल्ड। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टेबल होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6, 2 अंदर और 6। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके प्लस 2 करके 8 कर लेगा आसानी से, और चार्ज कितना हो जाएगा? -2। नाइट्रोजन के केस में 5 होते हैं, 3 लेके -3 आयन बना देगा। तो इनके लिए 1, 2, या 3 इलेक्ट्रॉन लेना कंपैरेटिवली इजी है, इंस्टेड कि वो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दें। अब 4 के केस में क्या है कि इसको 4 देना भी मुश्किल है, 4 लेना भी मुश्किल है। तो इसीलिए इसके जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जबकि ये क्या बनाते हैं? प्लस आयन। पीछे वाले क्या बनाते हैं? माइनस आयन। तो हम क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स। तो आप यहाँ पे अगर नॉन मेटल लिखोगे तो आप क्या लिखोगे कि मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन, और उसने क्या बना दिया? मेटल का नेगेटिव आयन बना दिया। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, देखो इसको तो खाली एक ही चाहिए, एक लेते ही इसका काम हो जाएगा, तो ये बहुत जल्दी से लेगा। इसको 2 चाहिए,
इसको तीन चाहिए और कार्बन को चार चाहिए, तो कार्बन के लिए मुश्किल है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है और डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। तो वी कैन राइट इजीली कि लेफ्ट टू राइट, अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये क्या होंगे, इंक्रीज। इट मीन्स किसी भी पीरियड में जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं दे आर मेटेलिक और जो लेफ्ट राइट साइड के हैं वो नॉन मेटेलिक, तो जो बीच वाले हैं वो क्या है, वो है मेटलॉइड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे तो यू विल फाइंड अ जिगजैग लाइन इस तरीके से, बोरोन के नीचे से स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से चलती है। तो इस लाइन के जो लेफ्ट साइड एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर मेटल्स, और जो इसके राइट साइड है वो क्या है, नॉन मेटल्स। लेकिन जो इस लाइन के जस्ट ऊपर और नीचे इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पहले इतने से एलिमेंट्स को अच्छे से याद करो, जब आपको एलिमेंट्स की पोजीशन याद होगी कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, तो यू कैन इजीली कंपेयर कि साइज कैसे वेरी कर रहा है। दो एलिमेंट्स का नाम दे दिया, बोरोन और कार्बन, तो किसका साइज ज्यादा होगा किसका कम, ये आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि बोरोन लेफ्ट साइड पे और कार्बन राइट साइड पे है। अगर आपको सल्फर और क्लोरीन में मेटलिक करेक्टर पूछ लें तो हमें पता है सल्फर लेफ्ट साइड पे है तो सल्फर ज्यादा मेटलिक है और क्लोरीन ज्यादा नॉन मेटलिक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो एलिमेंट है वो 100% मेटलिक है, लेकिन उसमें मेटलिक करेक्टर्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉन मेटलिक, और जो इस साइड एलिमेंट्स हैं उनमें भी मेटलिक करेक्टर है लेकिन उनके मेटलिक करेक्टर बहुत कम परसेंटेज में है, और नॉन मेटलिक करेक्टर्स की परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं ऐसे जाने पर नॉन मेटलिक करेक्टर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहे हैं और मेटलिक करेक्टर स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज हो रहे हैं। तो बीच में एक ऐसी जगह आती है जो वहां पे दोनों करेक्टर्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट 50-50, एग्जैक्ट 50 नहीं, ऑलमोस्ट 50-50। तो इस लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। तो देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और इधर आता है जर्मेनियम, ये सब कैसे एलिमेंट्स होंगे, मेटलॉइड्स। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप में, सेम ग्रुप में मेटलिक करेक्टर कैसे इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, और अगर हम नॉन मेटलिक करेक्टर्स की बात करें तो क्या होता है। देखो लिथियम का साइज इतना होता है और इसके पास केवल दो शेल्स हैं। सोडियम के पास कितने शेल्स हैं, 2, 8, 1, और न्यूक्लियस में कितने हैं, 11। अब क्या होगा, टॉप टू डाउन आने पर शेल्स इंक्रीज हो गए, डिस्टेंस ज्यादा हो गई, न्यूक्लियस में हालांकि ज्यादा प्रोटॉन है पर इसका होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है, कम, तो इट कैन गिव इजीली। तो हम कहेंगे मेटेलिक कैरेक्टर्स जो हैं टॉप टू डाउन इंक्रीज होते हैं। पोटेशियम की बात करेंगे तो उसमें तो 4 शेल्स होंगे और 19 क्या होंगे, प्रोटॉन्स, और इधर 2, 8, 8, 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये तो और भी ज्यादा डिस्टेंस पे है तो इसको डोनेट करना और भी आसान है। तो पोटेशियम के मेटलिक करेक्टर्स इन तीनों में सबसे ज्यादा होंगे, और अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के ज्यादा होंगे, ग्रेटर देन होंगे मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ग्रेटर देन बेरिलियम। तो आपने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में पोजीशन को लर्न करना है, जब आपको वो अच्छे से मेमोराइज हो गई यू कैन अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब हम बात करें नॉन मेटेलिक करेक्टर्स की ग्रुप में, तो देखो यहां मैंने फ्लोरीन और यहां क्लोरीन लिखा है। फ्लोरीन में
अंदर 9 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 और 7 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. 17 प्रोटॉन्स, 2, 8, 7 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो टॉप टू डाउन, 9 प्रोटॉन्स ने 9 को अट्रैक्ट कर रखा था और 10th और आ रहा है, ये एक नया इलेक्ट्रॉन है जो आना चाहता है, तो इसको कितने डिस्टेंस से अट्रैक्शन मिलेगा, इतनी डिस्टेंस से 9 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करेंगे. एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी आना चाहता है लेकिन ये देखो दूर तक है, इतनी दूर आएगा, इसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो इसका मतलब ये उतनी जल्दी नहीं ले पाएगा जितनी जल्दी ये इसको अट्रैक्ट करके अपने अंदर शामिल कर लेगा, अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा. तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज. अच्छा आप इसको इस ग्रुप में भी पढ़ सकते हो, यहां देखो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, ये मेटलॉइड आ गया है और ये नीचे क्या हो गया, मेटल. सेम देखो ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड्स है ये दोनों, और ये मेटल हो गए. तो टॉप टू डाउन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं. हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो हमें ये पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वी आर डिस्कसिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स. तो मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से डिसाइड होती है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी. तो देखो दीज ऑल आर मेटल्स, लेकिन टॉप टू डाउन क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है और जो वैलेंस शेल है, देखो टॉप टू डाउन साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का होल्ड क्या है, कम है, तो वी कैन गिव इजीली. तो जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी पॉजिटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो बिकॉज टॉप टू डाउन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है टॉप टू डाउन. और अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो हम नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से. अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और नेगेटिव आयन बनाना. तो देखो फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्लोरीन भी ले सकता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज लार्ज है इससे, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये थोड़ा कम अट्रैक्शन से करेगा. ये इलेक्ट्रॉन आएगा इसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा क्योंकि न्यूक्लियस के क्लोज है और ये थोड़ा सा दूर है, तो इसको क्या मिलेगा, कम अट्रैक्शन मिलेगा, तो इसीलिए इसकी नेगेटिविटी क्या है, कम. तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम. तो इसीलिए जब नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से देखते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन ए ग्रुप डिक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल भी क्या होती है, डिक्रीज होती है. और अगर हम बात करें पीरियड में, तो देखो पीरियड में क्या होता है कि आप लेफ्ट टू राइट साइड छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी एक पीरियड में इंक्रीज होती है. तो दिस वे वी डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. अब देखो मैंने मेटल्स के ऑक्साइड लिए, जैसे मैंने लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या बेरिलियम ऑक्साइड, मैं इनमें से किसी को भी वाटर में डिजोल्व करती हूँ तो व्हाट आई गेट हाइड्रोक्साइड्स, आई गेट लिथियम हाइड्रोक्साइड, आई गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, आई गेट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ऑल आर बेसिस. तो इसलिए इनका सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होता है, इनको हम एल्कली भी कहते हैं इधर वालों को स्पेशली. तो जो मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, और बेसिसिटी जो है वो टॉप टू डाउन इंक्रीज होती है. और अगर हम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की बात करें, जैसे क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये सल्फर के ऑक्साइड्स, और अगर मैं बात करूं कार्बन तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन तो ये क्लोरीन का ऑक्साइड. इन सबको अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वी गेट एसिड्स,
ये मिलेगा HNO3, इससे मिलेगा आपको H2SO3, इससे मिलेगा H2SO4, इससे मिलेगा H2CO3, इससे हाइपोक्लोरस एसिड। तो हम क्या देखते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स पानी में बिकॉज एसिड देते हैं, दैट्स व्हाई दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। और टॉप टू डाउन ऑक्साइड्स की बेसिसिटी इंक्रीज होती है और टॉप टू डाउन ऑक्साइड्स की एसिडिटी डिक्रीज होती है। ओके और अगर हम ग्रुप में बात करें तो ये वाले बेसिक है वो एसिड है, तो इट मीन्स एसिडिटी इंक्रीज हो रही है और बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो दिस वाज द ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपनी क्वेरीज को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू।